मोहाली के डेराबसी में कर्नल बीआर मोहन डीएवी पब्लिक स्कूल में बढ़ने वाले बच्चों के पेरेंट्स ने स्कूल प्रिंसिपल के रवैये पर स्कूल में जमकर रोष प्रदर्शन किया। अभिभावकों ने डीएवी पब्लिक स्कूल डेराबसी की प्रिंसिपल पर फीस लेट होने और बच्चों को प्रताड़ित करने के आरोप भी लगाए। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि स्कूल में छुट्टियां के महीने में जून का भी वाहन शुल्क मांग रहा है। बच्चों को अपने ऑफिस में बुलाकर पेपर में ना बैठने देने की धमकी भी दी जाती है। यहाँ तक कि बच्चों की सुरक्षा के लिए बस में ना तो GPRS और ना ही CCTV कैमरे लगे हुए हैं और स्कूल द्वारा एक ही दुकान से किताबें और वर्दियाँ खरीदने के लिए भी कहा जाता है। इस बारे में जब मीडिया द्वारा स्कूल प्रिंसिपल से बात की गई तो उन्होंने सभी आरोपों को सिरे से नकार दिया, लेकिन जब स्कूल में पढ़ रहे बच्चों से पूछा गया तो ये बात जरूर सामने आई कि स्कूल प्रिंसिपल द्वारा फीस को लेकर बच्चों को टॉर्चर भी किया जाता है। समस्या का हल ना होते देख अभिभावकों ने इसकी शिकायत SDM डेराबसी से की, जिस पर SDM ने मामला DO को मार कर जाँच के आदेश दे दिए हैं। डेराबसी से कैमरामैन अभिषेक सूद के साथ फारस सूद, आजाद TV न्यूज़। मैं मेमोरेंडम पढ़ लिया है, ये कुल 7 पॉइंट ने जिद उत्ते पेरेंट्स वालों ऑब्जेक्शन या इतराज किए गए स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन के नाम से। DO नूं मार करा के मंडे तो DO दे रिपोर्ट इत्थे लै ली जाएगी, तो जिहड़ा कानूनी एक्शन जिहड़ा लेना होगा वो लै लिया जाएगा। इस गल ते तुहानूं दस रहा, तुहाडे बयान लै लेने सुन लिया, DO नूं मुकम्मल रिपोर्ट बना दो, सो जिहड़ी भी कानूनी कार्रवाई जिहड़ी करनी होगी असीं करांगे। फिर असीं पूरे बाजार च इक दुकान दे सवाए कितों किताबा ते बुकां अपना वर्दियां नहीं मिलदी। कारण की लगदा तुहानूं? कारण की है जी, आपसी सैटिंग है जी इहनां दी, आपस में रल मिल के करदे आ जी। इह सानूं शिकायत भी मिली आ दूजे दुकानां वाले, जिहड़ा हुण पुराने से कोल सीगी हुण बदल के दूजा देते। हर साल दो ड्रैसां लगदियां जी, हफ्ते च इक दिन बुधवार और शनिवार ग्रीन पाउंदे, बाकी रेगुलर दूजी पाउंदे आ। हर साल इक ड्रैस बदल दिंदे आ जी। सर DO स्कूल दी मैडम प्रिंसीपल हैगी आ श्रीता यादव, उह बच्चिआं नूं बहुत टॉर्चर कर रही है। उह बच्चिआं दे जो हैगी आ कई मापियां दी शिकायत हैगी आ, साढ़े कोल 70 तों लैके 80 बंदियां दे साइन हैगे आ जिहड़े SDM साहब नूं हुणे कोल जा के शिकायत देण लगे आ। ते उहनां ने बच्चिआं नूं इन्ना टॉर्चर किया होया ते उहनां नूं उह क्लास 'च नहीं जाण दिंदी, जे उह लेट फीस भी ले रही है ते बच्चिआं नूं तंग भी कर रही है, ते उह बच्चिआं नूं नशे विच खड़ा के टॉर्चर भी कर रही है। उनको ये स्लिप्स दी गई कि आपके इतना इतना, उनको ये भी बोला गया कि आपको पेपर में नहीं रहेगा, आपके 15th तक आप अपनी फीस क्लियर कर दो क्योंकि 15th इज द लास्ट डे, 5-6 अदरवाइज यू विल नॉट बी अलाउड टू अपीयर इन द एग्जाम। ये बोला आपने, मतलब ये बोला गया उनके 6-6 महीने से फीस नहीं आई हुई बिल्कुल, फ्रॉम अप्रैल टिल सितंबर नॉट इवन अ सिंगल रुपी एक्स पे, मतलब बच्चों को ये बोला गया एग्जाम में। हाँ, कि आपके पेरेंट्स को ये कन्वे करो कि आपकी फीस नहीं पे हुई है तो यू विल नॉट बी अलाउड टू सबमिट द ईयरली एग्जाम, हाफ ईयरली एग्जाम। ये बोला जून में टीचर्स नहीं आ रहे तो किसी स्कूल को ट्यूशन फीस भी नहीं देनी चाहिए कि ट्यूशन नहीं। फिर वो कल को ये भी मुद्दा उठेगा कि हम, हमारा बच्चा जून में आया ही नहीं, हम उसकी फीस क्या लगता है इससे इसका समाधान हो जाएगा आप बताइए तो आप।